Hi students, this is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो आज देखेंगे बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे. हालांकि मैं एग्जाम्पल करवाने वाला नहीं था क्योंकि एग्जाम्पल इसके पूछे नहीं गई है किसके रैंकाइन के, पर मुझे लग रहा है कि रैंकाइन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है. सो मैं आपको वन ऑफ द एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आपको फिर उसी सिमिलर मेथड के एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं, ठीक है. तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको हमेशा मेथड सिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस एग्जाम्पल की ये मत समझना जितना वीडियो उतना करना है, जितना तुम्हारा प्रैक्टिस बुक में उतना करना है तुमको, ठीक है. सो रैंकाइन का देखेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल आएगा, आपको वो पढ़ना है. पहले शांति से वीडियो को पॉज करें, स्क्रीन के ऊपर जो एग्जांपल दिख रहा है उसको पढ़े. बोल रहा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पिस्टन. अब दूसरी एक चीज, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम रैंकाइंस के एग्जांपल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. देखो जब भी रैंकाइंस का एग्जांपल होगा ना तो डायमीटर फाइंड करने का बोला होगा तुमको, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर. सेकंड, उसमें आपको रैंकाइन कांस्टेंट देके रखा होगा, सो उसी तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि रैंकाइन का न्यूमेरिकल है, ठीक है. पढ़ते हैं. तो यहां पे बोला है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड. अब पिस्टन रॉड क्या है वो पता है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है. ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक है, कोई सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर और ये है आपका पिस्टन, और उसके साथ जो रोड जुड़ा होता है पिस्टन के साथ, इसको हम बोलते हैं पिस्टन रोड. तो हमें पिस्टन रोड का डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. तो मैं उसको बोल देता हूं स्मॉल डी. We need to find a calculated diameter of piston. तो उसको only बोलता हूँ. फिर वो बोलता है for a cylinder. अब वो piston obviously cylinder के अंदर होगा, तो वो जो cylinder के अंदर है उसका diameter देके रखा है 1.5 meter. तो मैं उसको बोलूँगा capital D 1.5 meter diameter. In which the greatest difference of stream pressure on the two sides of the piston may be assumed to be 0.2 newton per mm square. अब ये जो तुम्हें लोड देके रखा हुआ है, ये जो प्रेशर तुमको देके रखा हुआ है वो किस में देके रखा है, पर mm square means पर एरिया. पर हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए लोड चाहिए इन न्यूटन. सो कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये पर mm square है तो मुझे अगर न्यूटन में चाहिए है ना, तो मैं क्या करूंगा. तो ऑब्वियसली बात है पर एमएम स्क्वायर यानी पर एरिया है, पर यूनिट एरिया. सो आई विल मल्टीप्लाई, इसके मुझे एरिया मिल जाए पिस्टन का, उससे मल्टीप्लाई कर दूं. सो ये मुझे किसमें मिल जाएगा, न्यूटन में. तो मैं क्या करूंगा टू फाइंड आउट दी लोड, ये जो हमें देके रखा हुआ है प्रेशर वो पर एमएम स्क्वायर है पर मुझे चाहिए इन न्यूटन, तो मैं क्या करूंगा पिस्टन के एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर. कि पिस्टन का एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेना है. सो पाई बाय 4 कैपिटल डी, अभी मैंने बताया यहां पे 1.5 मीटर है पर यहां पे एमएम स्क्वायर है. सो हम इसको मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर. सो 10 रेस टू 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मीटर 10 रेस टू 3 एमएम हो जाएगा. सो ये आपका होगा 1500 का स्क्वायर पाई बाय 2 स्क्वायर इनटू पी. सो अब ये जो तुम्हारा लोड था इन व्हिच आ गया, अभी आ गया न्यूटन के अंदर. किस में आ गया, न्यूटन के अंदर. क्यों किया, क्योंकि यहां पे तुमको जो प्रेशर देके रखा था दैट इज पर एरिया था, पर हमें पर एमएम स्क्वायर नहीं चाहिए, वी वांट इन न्यूटन. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट विद द एरिया ऑफ द पिस्टन. सो हमें अब मिल गया है लोड बिकॉज वी वांट दिस थिंग्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर वी वांट लोड इन न्यूटन. फिर क्या बोल रहा है आगे, द रोड इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील. No, mild steel का वो पिस्टन रोड बना हुआ है तुम्हारा, एंड सिक्योर्ड टू द पिस्टन बाय टैपर रोड एंड नट. तो अब देखो ये इस वर्ड का बहुत ही, इसका बहुत ही आपको समझना है ध्यान से. द रोड इज मेड ऑफ mild steel एंड सिक्योर्ड टू द पिस्टन बाय टैपर रोड, इसको पिस्टन के साथ कनेक्ट करा हुआ है बाय टैपर रोड एंड नट टू द क्रॉस हेड बाय क्वार्टर. उसका मतलब कि इसके दोनों साइड फिक्स किए गए हैं. सो यू हैव टू टेक दिस पिस्टन रोड सच दैट इट्स टू एंड आर कनेक्टेड, मींस कि उसके दो एंड फिक्स करे गए हुए हैं, ठीक है. सो ये हो जाएगा फिक्स एंड वाला प्रॉब्लम. सो याद रखना क्योंकि रैंकाइंस हो गए तो आपको जब ये सोल्व करने हो गए तो आपको देखना कौन सी कंडीशन लग रही है, एक फिक्स है एक हिंज है, दोनों हिंज है दोनों फिक्स है, व्हाट इज दैट, यू नीड टू फाइंड आउट दैट, ठीक है. तो यहां पे क्या बोला हुआ है, यहां पे हमें बोथ हैंड को फिक्स कंसीडर करना है. वो बोलेगा नहीं, ऐसे वर्ड देगा आपको, उसे आइडेंटिफाई करना है. Assume modulus of velocity 200 kilonewton per mm square. So modulus of velocity that is E kilonewton है, newton में convert करेंगे, multiply 10 raise to 3 per mm square. अब वो आगे बोल रहा है the factor of safety हमें 8 लेना है. अब factor of safety क्या होता है वो मैं आपके उसके ऊपर आता हूँ. तो देखो अब फैक्टर ऑफ स्ट्रेस सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. और यहां पे लोड है तो हम स्ट्रेस की जगह पे लोड लिख देंगे, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है. तो मैं यहां पे अल्टीमेट लोड
अपॉन वर्किंग लोड। तो यहाँ पे लोड कितना लग रहा है अपना, दैट इज 353475 न्यूटन, जो हमें एरिया से मल्टीप्लाई इतना आया। पर जब हम क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिपलिंग लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा W इक्वल टू सिग्मा सी और ए, और या फिर यहाँ यूलर्स फॉर्मूला करूंगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, तो हमें पता है ये क्रिटिकल लोड क्या होता है ना, यही तो बकलिंग लोड। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम लोड होता है, जो अल्टीमेट होता है, वो जहां से बकलिंग क्रिएट होता है। तो मुझे यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ है, या फिर यू कैन से वर्किंग लोड चाहिए, पर मुझे क्रिपलिंग लोड मीन्स मेरा अल्टीमेट लोड होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट लोड अपन वर्किंग लोड। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देके रखा है, 8, तो यहाँ पे 8 रख दूंगा। वर्किंग लोड मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है 35347 पर, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अल्टीमेट लोड मिलेगा, जिसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल लोड। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ, तो क्या किया मैंने, जो W था उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। सो जिसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड, कि जहां पे तुम्हारा क्रिपलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हेन यू राइट डब्ल्यू सी आर मीन्स यू वॉन्ट क्रिटिकल लोड, सिंपल लोड, ये तो सिंपल लोड है, ये वर्किंग लोड है जिसपे काम कर रहा है। बट जब यहाँ पे डालोगे तो हमें पता है क्रिपलिंग लोड क्या होता है, उस लोड के जहां पे बकलिंग होना स्टार्ट होता है ना। सो वी हैव टू राइट दैट मैक्सिमम लोड, और यू कैन से अल्टीमेट लोड दैट वी नीड टू राइट। सो दैट इज व्हाई उसने ये बोला है कि तुमको वर्किंग लोड मिल जाएगा एरिया से मल्टीप्लाई, फिर इसमें तुमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देता हूं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को तुम वर्किंग लोड से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेट लोड मिल जाएगा, और अल्टीमेट लोड ही हमारा क्रिटिकल लोड होता है जो हमें वैल्यू में डालना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी तुम यूलर्स फॉर्मूला, तो यहां पे जो लोड होता है वो अल्टीमेट लोड था, क्रिटिकल लोड। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल लोड, ठीक है, ओके डन। फिर देखो यहां पे एग्जांपल में दो चीजें नहीं दी है, पर ये एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो दो चीजें दी जाएगी। एक तो आपको ये दिया जाएगा, यहां पे आपको पिस्टन रोड के लिए आपको सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस आपको लेना है 320 मेगा पास्कल, यानी हो जाएगा 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपको रैंकाइन कांस्टेंट ए इक्वल टू 1/7π00 लेना है। ये दोनों चीजें देनी पड़ेगी एग्जाम के, उसके बिना नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल एग्जाम पूछा जाएगा तो ये आपको 4 पिस्टन रोड क्रशिंग स्ट्रेस आपको दे देगा, बिकॉज जब आप यहां पे लिखोगे सिग्मा सी इनटू ये रैंकाइन फार्मूला, यू रिक्वायर सिग्मा सी, तो सिग्मा सी उसको देना पड़ेगा, उसी तरह रैंकाइन कांस्टेंट भी देना पड़ेगा। सो दिस टू थिंग्स विल बी इन एग्जाम, ठीक है। तो यहां तक हो गया, अब मैं यहां पे यूज करूंगा यूलर फार्मूला। तो पहला मैं अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला यूज करके मैं डायमीटर फाइंड करूंगा कि पिस्टन रोड का क्या डायमीटर आता है। सो आई नो यूलर फार्मूला WCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर। अब क्रिटिकल लोड, अब सबसे पहले मैं आई मिनिमम क्या होगा, देखो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्या है सर्कुलर, क्योंकि पिस्टन रोड यानी सर्कुलर डायमीटर, तो हमें पता है सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई क्या होता है, आई एक्स, क्योंकि हमें आई मिनिमम यानी क्या होता है, हमें सबसे पहले आई एक्स एक्स ढूंढना होता है, आई वाई वाई ढूंढना, उसमें जो छोटी सी वैल्यू होती है वो हम आई मिनिमम लेते हैं। पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों की वैल्यू होती है पाई डी रेस टू 4/64। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट पाई डी रेस टू 4/64, देखो पाई स्क्वायर ई एज इट इज, आई मिनिमम की जगह पे लूंगा पाई डी रेस टू 4/64, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इनटू एल स्क्वायर। आप बोलोगे सर इफेक्टिव लेंथ क्या रहा है, तो मैंने वही बोला था ना एग्जाम के लिए, इसलिए तो बोला था, वहां पे उसने बोला था, ये वर्ड यूज करा था उसने, The road is made of mild steel, it's secured to the piston by taper rod and nut and to the cross head by quarter. इसका मतलब ये लाइन का मतलब है पिस्टन के दोनों एंड फिक्स एंड है। सो फिक्स एंड के लिए एफिटिव लेंथ क्या होता है L/2 है ना। तो हमें लेंथ कितना देके रखा हुआ है यहां पे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोड, तो यहां पे बोला है एज्यूम लेंथ ऑफ द रेड टू बी 3 meters। तो पिस्टन रोड का लेंथ हमें देके रखा है एक्चुअल लेंथ 3 meters, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी L/2, तो 3000 3 meters यानी 3000 mm डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1500 mm, ठीक है। सो अब यहां पे हमें क्या करना है, तो ये होगा क्रिटिकल लोड, और यहां पे डालूंगा 1500। तो अब हमें देखो क्रिटिकल लोड हमारे पास है, LE की वैल्यू है, E हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 × 10⁻³। तो यहां पे हमें D को सब्जेक्ट बनाओ तो हमें D मिल जाएगा, सो दैट इज 90 mm अकॉर्डिंग टू यूलर। पिस्टन रोड का डायमीटर होना चाहिए 90। अब हम अकॉर्डिंग टू रैंकाइन ढूंढते हैं कि रैंकाइन से क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन वी नो दैट फॉर्मूला होता है W क्रिटिकल इक्वल टू सिग्मा सी ए प्लस 1 + A LE अपॉन K मिनिमम। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें जाननी होगी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो W क्रिटिकल हमारे पास है दैट इज 2.83 × 10⁶, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो मल्टीप्लाई किया था वो। क्रशिंग स्ट्रेस हमको दे देगा 320 मेगापास्कल यानी 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब एरिया चाहिए हमें, तो हमें पता है पिस्टन रोड का क्या हो जाएगा एरिया, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर, याद रखना कैपिटल डी पिस्टन का डायमीटर है, स्मॉल डी पिस्टन रोड का डायमीटर है जो हमें फाइंड करना है, अपॉन 1 + A रैंकाइन कांस्टेंट देके
रखा है, दैट इज 1/7400. अब इफेक्टिव लेंथ कितनी है हमारी, वो 1500 है क्योंकि दोनों एंड फिक्स है. और यहां पे आएगा के मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड के मिनिमम. तो हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, ए के स्क्वायर. तो फिर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए. और तो k क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई बाई ए. सो अकॉर्डिंग टू दैट, पर मुझे k मिनिमम चाहिए, राइट आई मिनिमम अपॉन ए. तो हमें पता है आई एक्सएक्स और आई दोनों के लिए सेमी वैल्यू आती, तो आई कैन राइट आई मिनिमम इक्वल टू पाई डी रेस टू 4/64 और एरिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो इसको रूट में डाले तो इसको सोल्व करिए आएगा डी बाय 4. क्या आएगा, डी बाय 4. सो यहाँ पे मैंने क्या डालूंगा, देखो k मिनिमम की डी बाय 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, इसका स्क्वायर हो गया. अब इसका कुछ इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस, डी रेस टू 4 माइनस 11257 डी स्क्वायर माइनस 54 इंटू 10 रेस टू 6 इक्वल टू 0. अब आपको इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से. ठीक है, तो हमें पता है रूट क्या आता है, तो रूट आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा, डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. पर यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे स्क्वायर के लिए, तो हमें इसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से पूरे इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा. d रेस टू 4 है तो हमें x स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको आई कैन राइट d स्क्वायर का स्क्वायर d रेस टू 4. यहां पे क्या है, d स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं d का, ये d स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको लाइक दिस. तो ये होगा ना a, a इक्वल टू d स्क्वायर ले लीजिए, तो आप a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो हमें पता है x इक्वल टू मिलता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन टू ए. तो आई विल राइट x इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 11257, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये 11257 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1 और ये माइनस 50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो दैट इज व्हाई प्लस 4 इंटू 154 10 टू 6 डिवाइडेड बाय 2a. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस, पर हम देखो ये आ जाएगा 11257 और ये आता है 18512. तो माइनस करोगे डायमीटर माइनस में चला जाएगा, तो सिर्फ हमें प्लस साइन ही लेनी है. तो यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ दिस टू डिवाइडेड बाय 2, तो हमें डी मिल जाएगा. फिर रूट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डी स्क्वायर है. सो डी मिलेगा आपको 122 mm. क्या मिलेगा, 122 mm. अब किसी को ये चीज समझ में नहीं आई कि सर ये आपने कैसे किया, तो वीडियो को पॉज करो शांति से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अपने किताब में करके देखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो यहां पर क्या मिला, डी 122 mm. सो अकॉर्डिंग टू रैंक आपको डायमीटर रखना पड़ेगा 122 mm, एंड अकॉर्डिंग टू यूलर आपको डायमीटर रखना पड़ेगा 90 mm. तो ऑलवेज हम सेफ्टी के लिए हम वही वैल्यू लेते हैं जो लार्जर होती है. ठीक है, तो यहां पे फॉर सेफ्टी आई विल टेक 122 mm. सो अकॉर्डिंग टू टू लार्जर ऑफ दिस टू वैल्यू वी टेक डायमीटर इक्वल टू 122 mm फॉर द सेफ कंडीशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे. बाय.